कोलकाता नाइट राइडर्स की धमाकेदार जीत के बाद बदला आईपीएल 2022 का पॉइंट टेबल। सीएसके को लगा बड़ा झटका तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को मिली बड़ी खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2022 के मैच नंबर 8 में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पंजाब किंग्स की टीम को 6 विकेट से हरा कर कोलकाता नाइट राइडर्स ने पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार आईपीएल के 8 मुकाबलों के बाद अब पॉइंट टेबल का क्या हाल है, कौन सी टीम सबसे बेहतर स्थिति में तो कौन सी टीम सबसे खराब स्थिति में, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं आईपीएल 2022 के टॉप 5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बारे में, जो कि इस समय ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आप भी चाहते कि आपकी फेवरेट टीम, आपका फेवरेट प्लेयर इस टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस करे। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। तो दोस्तों, आज के मुकाबले की हम बात करें तो आज के इस मुकाबले में टॉस जीता श्रेयस अय्यर ने और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया पंजाब किंग्स की टीम को। पंजाब किंग्स की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही क्योंकि कप्तान ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ एक रन बनाकर पेवलियन लौट गए, वो उमेश यादव का शिकार बने। लेकिन इसके बाद भानुका राजपक्षा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 9 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। लेकिन उनके आउट होने के बाद पूरी टीम ताश के पत्तू की तरह सिमट गई और 18.2 ओवर में 137 रनों पर ऑल आउट हो गई पंजाब किंग्स की टीम। उमेश यादव ने कोलकाता की तरफ से सबसे ज़्यादा 4 सफलताएँ प्राप्त की, तो वहीं पर टीम साउथी को 2, शिवम मावी 1 और सुनील नारायण व आंद्रे रसल ने भी 1-1 विकेट लिया और पूरी टीम को 137 रनों पर ऑल आउट कर दिया। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही और एक समय 51 रनों पर 4 विकेट गंवा चुकी थी टीम, जिनमें अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा का विकेट शामिल था। लेकिन इसके बाद मैदान पर आया तूफान आंद्रे रसल के नाम का। आंद्रे रसल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 31 गेंदों पर 70 रन बनाए। इस पारी में 2 चौके और 8 छक्के थे और इस तूफानी पारी की बदौलत यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मुकाबले को 14.3 ओवर में ही अपने नाम कर लिया और अब पॉइंट टेबल को पूरी तरह से बदल दिया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पॉइंट टेबल के बारे में। तो दोस्तों, पॉइंट टेबल में फिलहाल हम आखिरी नंबर की बात करें तो यहाँ पर नंबर 10 पर सनराइज हैदराबाद की टीम है, जिन्होंने एक मुकाबला खेला है, एक की मुकाबला आ रहा है और इनकी नेट रन नेट -3.50 है। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, नंबर 9 की हम बात करें तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम है, जिन्होंने एक मुकाबला खेला है, एक ही मुकाबला आ रहा है, नेट रन रेट -0.914 है। जबकि इस लिस्ट में नंबर 8 पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले और दोनों मुकाबले हारे हैं। साथ ही इस टीम के कोई अंक नहीं है और नेट रन रेट -0.528 है। तो वहीं पर इस लिस्ट में अब नंबर 7 पर पहुंच चुकी है पंजाब किंग्स की टीम। आज की हार के बाद उनके 2 मुकाबलों में 2 अंक है, एक मुकाबला जीता है, एक मुकाबला हारा है। साथ ही इनकी नेट रन रेट अब हो चुकी है -1.183, जिसके चलते ये नंबर 7 पर हैं। तो वहीं पर नंबर 6 पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम है, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, एक मुकाबला जीता है, एक मुकाबला हारा है। फिलहाल इस टीम के पास 2 अंक है और इनकी नेट रन रेट -0.048 है। वहीं पर दोस्तों, हम नंबर 5 टीम की बात करें तो यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, एक मुकाबला जीता है, एक मुकाबला हारा है। नेट रन रेट इनकी -0.011 है और फिलहाल ये 2 अंकों के साथ नंबर 5 पर हैं। तो वहीं पर नंबर 4 की हम बात करें तो यहाँ पर गुजरात टाइटन्स की टीम है, जिन्होंने एक मुकाबला खेला है, एक ही मुकाबला जीता है और 2 अंक इस टीम के पास है। नेट रन रेट +0.286 है। जबकि नंबर 3 पर पहुंच चुकी है अब दिल्ली कैपिटल की टीम, जिन्होंने एक मुकाबला खेला है, एक ही मुकाबला जीता है और इनके 2 अंक है। साथ ही इनकी नेट रन रेट +0.914 है। इस लिस्ट में हम नंबर 2 टीम की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जिन्होंने एक मुकाबला खेला और एक ही मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की और इनके 2 अंक है। नेट रन रेट इनकी +3.050 है। जबकि अब नंबर 1 टीम की बात करें तो यहाँ पर पहुँच चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जिन्होंने आज शानदार जीत दर्ज करते हुए अब अपने 4 अंक बना लिए हैं, यानी कि 3 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीतकर 4 अंकों के साथ नंबर 1 पर है और नेट रन रेट +0.843 है। यानी कि फिलहाल सबसे बेहतरीन स्थिति पर केकेआर, आरआरडीसी और गुजरात टाइटंस की टीम है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद फिलहाल सबसे खराब स्थिति में है। वहीं पर चले दोस्तों, अब हम जानते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के टॉप 5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बारे में। तो दोस्तों, टॉप 5 बल्लेबाजों की हम बात करें तो फिलहाल नंबर 1 पर आंद्रे रसल है, जिन्होंने 3 मुकाबलों में 95 रन बनाए हैं। जबकि नंबर 2 पर फेफ डू प्लेसिस है, जिनके 93 रन है। तो नंबर 3 पर ईशान किशन है 81 रनों के साथ। नंबर 4 पर रॉबिन उथप्पा है, जिनके 78 रन है। तो नंबर 5 पर भानुका राजपक्षा है, जिनके 74 रन है। यानी कि फिलहाल ऑरेंज कैप के टॉप
टॉप पर पहुंच चुके हैं आंद्रे रसल और इन्हीं के पास है ऑरेंज कैप। वहीं पर पर्पल कैप की रेस में फिलहाल नंबर वन पर उमेश यादव है जिनके 8 विकेट है, तो नंबर दो पर टिम सावती है 5 विकेट के साथ। नंबर तीन पर वनिंदु वसरंगा है, इनके भी 5 विकेट है, तो नंबर चार पर डीजे ब्रावो है 4 विकेट के साथ। तो नंबर पाँच पर आकाशदीप है, इनके भी 4 विकेट हैं। जबकि दोस्तों नंबर वन पर फिलहाल बने हुए हैं उमेश यादव जिनके पास है पर्पल कैप, यानी कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के साथ साथ पॉइंट टेबल में भी नंबर वन केकेआर की टीम ही है। दोस्तों क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी और कौन सा गेंदबाज या फिर कौन सी टीम बनेगी नंबर वन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।